Hello everyone, welcome to another lecture of entrepreneurship and today our topic is types of entrepreneurship. हम entrepreneurship के types देखेंगे, exam देखेंगे. तो four types है हमारे पास. Number one है small business entrepreneurship, छोटे कारोबार. ठीक है, छोटे कारोबार की जो मुहिम जोई होगी या काम शुरू करेंगे उसको हम कहेंगे small business entrepreneurship. These businesses are hairdresser, grocery store, travel agent, carpenter, plumber and electrician, etc. इसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी कहा जाता है सादा जबान के अंदर. ये वो बिजनेसेस होते हैं जैसे कि हेयर ड्रेसर है, एक ग्रोसरी स्टोर है, घरेलू सामान बेचने वाला, ट्रैवल एजेंट है, कारपेंटर लकड़ी का काम करने वाला, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, बिजली का काम करने वाला वगैरह. ये सारे कारोबार जो होते हैं ये स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं. दिस पीपल रन और ओन देयर ओन बिजनेस एंड हायर फैमिली मेम्बर्स और लोकल एम्प्लॉयज. ये जो लोग होते हैं अपना कारोबार खुद ही रन करते हैं और अपने कारोबार के खुद मालिक होते हैं. ये हायर करते हैं फैमिली मेंबर्स को या मकामी लोग को, लोकल पीपल को, जो वहीं के इर्द गिर्द के रहने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को एज अ एम्प्लॉय के तौर पे ये हायर करते हैं. अर्न प्रॉफिट टू फीड देयर फैमिली, नॉट टू मेक 100 मिलियन बिजनेस और टेकिंग ओवर इंडस्ट्री. ये मुनाफा कमाते हैं अपने घर को फीड करने के लिए, यानी कि घर को सिर्फ चलाने के लिए. ठीक है, इनका कोई मकसद नहीं होता कि 100 मिलियन डॉलर बिजनेस कमाना है या हमें इंडस्ट्री को ओवरटेक करना है, ऐसा कोई मकसद नहीं होता. बस अपना गुजारा चले और घरेलू खर्चे चलते रहें, यही इनका मकसद होता है. दे फंड देयर बिजनेस बाय टेकिंग स्मॉल लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस बैंक. ये जो फंड्स इनको मिलता है, पैसा मिलता है अपने कारोबार को चलाने के लिए, उसके लिए छोटे छोटे लोन लेते हैं अपनी फैमिली से या फ्रेंड से. ठीक है, दोस्तों से या रिश्तेदारों से, या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ऐसे बैंक जो छोटे छोटे कर्जे देते हैं 1 लाख से 2 लाख तक के लोगों को, जिस पे कोई ख़ास जमानत नहीं देनी पड़ती. आपका वादा, आपका आईडी कार्ड और इर्द गिर्द के लोगों की जमानत काफ़ी होती है, इसमें आपको कुछ चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती. तो ये छोटे छोटे आपको कर्जे देते हैं अपना कारोबार स्टार्ट करने के लिए. तो ये हमारे पास होते हैं स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. नेक्स्ट हमारे पास है स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप. अब स्केलेबल स्टार्टअप क्या होता है? मीन्स यंग कंपनी विद यूनिक प्रोडक्ट विच मे बिकम अ बिग वन इन फ्यूचर. स्केलेबल स्टार्टअप का मतलब होता है क्लाइम अप कर जाना, वक्त के साथ ऊंचा हो जाना. तो ये वो कारोबार होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगा, जो वक्त के साथ काफ़ी बड़ी बड़ी बिजनेस या बड़ा कारोबार बन जाएगा. मींस यंग कंपनी, के एक यंग कंपनी है जिसके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है. ठीक है, एक मुख्तलिफ प्रोडक्ट है दूसरों से, जो एक दिन फ्यूचर में जाके काफ़ी मशहूर हो जाएगा, बिग वन बन जाएगा. ठीक है, तो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप बिजनेस विद अ विजन डैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड. स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये कारोबार स्टार्ट करते हैं इस विजन के साथ, इस नज़रिए के साथ कि वो दुनिया चेंज कर देंगे. ठीक है, जैसे कि एलन मस्क को आप देख लें. ठीक है, सेल्फ ड्राइव कार आ गई, खुद से चलने वाली कारें हैं पड़ी जो खुद से चलती हैं. ठीक है, तो उन्होंने यानी कि ऑटोमोबाइल का नक्शा ही बदल दिया. ठीक है, उसके और भी विजन्स हैं दुनिया को चेंज करने के. दे अट्रैक्ट द इन्वेस्टर विद यूनिक एंड आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया. ये अट्रैक्ट करते हैं अपने इन्वेस्टर को, सरमायाकारों को, कि वो इन्वेस्ट करें कारोबार के अंदर यूनिक आइडिया दे के, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स होता है, जो आम आइडिया नहीं होता, दूसरों से मुख्तलिफ होता है. दे रिक्वायर मोर कैपिटल टू फ्यूल एंड बैक देयर प्रोजेक्ट और बिजनेस. इनको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल, सरमाया की ज़रूरत पड़ती है अपने प्रोजेक्ट को फ्यूल देने के लिए, ईंधन देने के लिए, बैकअप करने के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतने सिंपल नहीं होते. इनका विजन है दुनिया को चेंज करना, तो ये आए दिन उसमें इनोवेशन और चेंजिंग लेके आते हैं और इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है. तो ये स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं जिसमें यूनिक आइडिया, आउट ऑफ द बॉक्स और विजन होता है कि हम दुनिया को चेंज कर देंगे. नेक्स्ट हमारे पास है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप. दिस ह्यूज कंपनी हैव डिफाइंड लाइफ साइकिल. ये जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है इनका एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है. इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, ग्रोथ कैसे हुआ, इनकी मेच्योरिटी कैसे हुई और डिक्लाइन तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पूरा एक डिफाइंड लाइफ साइकिल होता है. मोस्ट ऑफ दिस कंपनी ग्रो एंड सस्टेन बाई ऑफरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सच एज सैमसंग. इनमें से बहुत सी कंपनियाँ जो ग्रो करती हैं, सस्टेन करती हैं, अपने आप को मेच्योरिटी तक जाती हैं बाय ऑफरिंग न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट, हर वक्त नए और जिद्दत के साथ जदीद प्रोडक्ट दे के. जैसे कि सैमसंग है, अगर आप अपने प्रोडक्ट में इनोवेशन दे के नहीं आएंगे, चेंजिंग ले के नहीं आएंगे, तो आपका बिजनेस जो है वो ख़त्म हो जाएगा. सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास यहाँ पर नोकिया की है. ठीक है, जिन्होंने इनोवेशन नहीं की तो वो पीछे रह गए बाकी कंपनियों से, सैमसंग ने किया वो आगे निकल गई. दिस लार्ज कंपनीज ऑपरेट देयर बिजनेस ऑपरेशन वर्ल्ड वाइड. ये जो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ये दुनिया भर में अपना काम करते हैं. मैकडोनल्ड, KFC, सैमसंग, एप्पल, ठीक है, ये लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप्स होती हैं. द चेंज इन टेक्नोलॉजी
customer preference, new competition, etc. Build pressure for large companies to create an innovative products to capture existing and new customer. टेक्नोलॉजी में आए दिन आने वाला चेंज, ठीक है, तब्दीली, कस्टमर की प्रेफरेंस, न्यू कंपटीशन, नए मुकाबलेबाज कंपनी का आना, ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रेशर डालती हैं लार्ज कंपनीज के ऊपर कि ये इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएं ताकि जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो भी इनके साथ बरकरार रहे और न्यू कस्टमर्स को भी ये कैप्चर कर पाएँ। तो ये हमारे पास हो जाता है लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। लास्ट हमारे पास जो टाइप है एंटरप्रेन्योरशिप की, वह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, समाजी, ठीक है, खिदमत करने वाली एंटरप्रेन्योरशिप। ये बेसिकली मुनाफा कमाने के बारे में नहीं सोचते। दिस टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फोकसेस ऑन प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट रिजॉल्व सोशल नीड्स एंड प्रॉब्लम। ये एंटरप्रेन्योरशिप की वो टाइप है जिनका फोकस जो होता है कि हम प्रोड्यूस करें ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज जो कि हल करें सोशल नीड, समाजी जरूरियात और प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दें। जो भी माशरे के अंदर, समाज के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज हैं, उनको सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाते हैं। देयर ओनली मोटिव एंड गोल इज़ टू वर्क फॉर अ सोसाइटी एंड नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट। इनका जो मोटो मकसद होता है वो ये है कि वो सोसाइटी के लिए काम करें, माशरे के लिए काम करें एंड नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट, और कोई ख़ास मुनाफा ना कमाए। सच एज कशफ फाउंडेशन। कशफ फाउंडेशन 1996 में फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है, फर्स्ट एंड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक, सॉरी, कि पहला और सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस बैंक था जो 1996 में बनाया गया था सोसाइटी के लिए, कि छोटे छोटे तबके के लोग लोन लें और छोटा मोटा कारोबार स्टार्ट करें और अपने घर वालों को फीड करना शुरू कर दें। इजी फाउंडेशन 1951, इजी फाउंडेशन बनाई गई थी। आपको पता है दुनिया भर में सबसे बड़ा एम्बुलेंस का सिस्टम है इजी फाउंडेशन का, ठीक है, यतीमों के बच्चों को भी पालते हैं, ठीक है, ऑर्फन इनके हैं बड़े अच्छे खासे, जहाँ पे ये गरीबों को, गरीब के बच्चों को पालते हैं अगर जिनका कोई सहारा नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह से जो समाज की भलाई के लिए काम करते हैं हम उनको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ जो एंटरप्रेन्योरशिप है टॉपिक वो कम्प्लीट होता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन हो आप टॉपिक से रिलेटेड आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।